तो गाइस कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास नॉइस की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है दोस्तों नॉइस फोर्स प्लस। इसे गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज कर लिया था 4000 रुपए में, और गाइस पिछले कुछ दिनों से टेस्ट भी कर रहा हूं, बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और गाइस ये वॉच काफी अच्छे फीचर के साथ मिल रही है, जैसे इसमें आपको रगेड डिजाइन देखने को मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। पहले दोस्तों बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर सारे फीचर आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पहले बॉक्स को देख लेते हैं, बॉक्स के ऊपर में नॉइस की ब्रांडिंग, और दोस्तों यहां पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट रखे, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग, 1.46 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मेटलिक बिल्ड के साथ मिलता है। यहां पे दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट रखे, सारे वीडियो में कवर करूंगा। और गाइस बैक साइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है प्राउडली मेड इन इंडिया, तो दोस्तों प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। बॉक्स कंटेंट में आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, और दोस्तों 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, और दोस्तों कुछ नॉइस की तरफ से आपको स्टिकर वगैरह देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके का आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी ठीक लग रही है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिजाइन मुझे काफी तगड़ा लगा है, रगेड डिजाइन इस पे आपको मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों ऊपर की साइड इन्होंने मेटल का यूज किया है, यहाँ पे भी दोस्तों इन्होंने मेटल का यूज किया है, दोनों मल्टी फंक्शन बटन भी इन्होंने मेटल से बनाए हैं। और दोस्तों ऊपर वाले बटन से आप अपने मेन्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, नीचे वाले बटन से दोस्तों आप अपने स्पोर्ट्स मोड को ऑपरेट कर पाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट का यूज किया, सारे सेंसर, चार्जिंग पिंस, इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, और गाइस यहां पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप मुझे काफी बढ़िया लगे, सॉफ्ट काफी ज्यादा है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पहनेंगे तो आपके हाथ में रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बकल दोस्तों इन्होंने फुली प्लास्टिक से बनाया है, और गाइस कोई भी सिलिकॉन के स्ट्रैप से आप इसे रिप्लेस भी कर पाओगे। इसके डिस्प्ले की बात करूं तो दोस्तों डिस्प्ले मुझे खासा पसंद आया, 1.46 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ, तो दोस्तों कलर्स वगैरह इसमें आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, और दोस्तों डिस्प्ले की शार्पनेस भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। अभी दोस्तों इसे मैं आउटडोर में लेके खड़ा हूं, यहां पे थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है, तब भी दोस्तों इसके डिस्प्ले मुझे काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आउटडोर की जो विजिबिलिटी है वो मुझे काफी बढ़िया लगी है। अगर आप इसे आउटडोर में यूज करोगे तो गाइस वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस वाले वॉच फेस से आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाते हैं, काफी नैरो बेजल्स के साथ ये डिस्प्ले आपको मिल रहा है। वॉच की कनेक्टिविटी की बात करूं तो नॉइस फिट हेल्थ ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया और अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूं, ऐप की यूआई कुछ इस तरीके से मिल जाती है। सबसे पहले आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिलता है, यहां पे दोस्तों चैलेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, फ्रेंड ऐड करने का फीचर मिल जाता है, और दोस्तों शॉप में जा रहे हो तो दोस्तों नॉइस का कोई भी प्रोडक्ट यहां से आप परचेज कर पाएंगे। अगर आप माई डिवाइस में जाएंगे तो दोस्तों यहां पे आपकी वॉच का मॉडल नंबर दिख जाएगा, और दोस्तों बैटरी स्टेटस वगैरह भी चेकआउट कर पाएंगे। यहां पे आपको वॉच फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, यहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों ऐप मुझे काफी यूजफुल लग रहा है। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी यूआई और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। यूआई दोस्तों मुझे स्मूथ लगा, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं तो गाइज यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स आप चेंज कर पाएंगे, और गाइज ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स चेंज कर पाएंगे। यहां पर आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, अगर आपको अपनी फोटो वगैरह लगानी है तो कस्टम वॉच फेस में जाके आप अपनी फोटो वगैरह भी लगा पाएंगे। राइट टू लेफ्ट स्वाइप करें तो दोस्तों यहां पर आपको शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेस मॉनिटर यहां पर आपको मिल जाता है। यहां से दोस्तों आप अपने तरीके से कोई भी कंपोनेंट ऐड कर पाएंगे। स्वाइप अप करें तो दोस्तों यहां पर आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिलता है, बैटरी स्टेटस चेकआउट कर पाएंगे, और दोस्तों यहां पर आपको डीएनडी मिल जाएगा, ब्राइटनेस एडजस्ट करने का फीचर मिल जाता है, वॉच को साइलेंट करने का फीचर मिल जाएगा, और दोस्तों यहां से आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाएंगे। बैटरी सेवर देखने को मिलता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, टॉर्च सेटिंग, सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट करेंगे, यहां पे दोस्तों मिल जाता है डिस्प्ले को लॉक करने का फीचर। स्वाइप डाउन करेंगे तो दोस्तों यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करें तो दोस्तों यहां पे आपको वही सारी शॉर्टकट कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। मल्टी फंक्शन
बटन को प्रेस करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिलता है। मेन्यू में सबसे पहले आपको नॉइस हेल्थ देखने को मिलता है। अगर आप नॉइस हेल्थ में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्टिविटी रिकॉर्ड, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर देखने को मिलता है और गाइस यहाँ पे आपको ब्रीथ का भी ऑप्शन मिल जाएगा, स्ट्रेस मॉनिटर भी मिल जाता है। नॉइस बज में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट साइन करने का फीचर मिलेगा, कॉल हिस्ट्री, डायल अप एड दोस्तों अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिलता है, वर्कआउट, अगर आप वर्कआउट में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और दोस्तों ऐप के द्वारा 123 स्पोर्ट्स मोड आप ऐड भी कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको वर्कआउट रिकॉर्ड देखने को मिलता है, रिमाइंडर देखने को मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर अपडेट दे पाएंगे, वॉच फीचर्स वगैरह देखने को मिलता है, फ्लैश लाइट और गाइस सेटिंग। सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का फीचर मिलता है, टैप टू बैकअप को ऑन ऑफ कर पाएंगे, रिंग टून एंड वाइब्रेशन, अगर आप रिंग टून एंड वाइब्रेशन में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपने वाइब्रेशन की इंटेंसिटी यहाँ से आप हाई लो भी कर पाएंगे और दोस्तों आप अपनी वॉच को साइलेंट मोड पे भी कर पाएंगे। रिस्ट अबुक को ऑन ऑफ कर पाएंगे, ब्राइट स्क्रीन टाइम को कम ज्यादा कर पाएंगे, D&D देखने को मिलता है, मेन्यू व्यू, अगर आप मेन्यू व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों दो तरीके से आप अपने मेन्यू को चेंज कर पाएंगे, ग्रेड में और लिस्ट में। ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन देखने को मिलेगा, अबाउट कॉल और दोस्तों यहाँ पे आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलता है, अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो फीचर देखने को मिलेंगे, ऑफ स्क्रीन डायल और दोस्तों एक्टिवेशन टाइम। अगर आप ऑफ स्क्रीन डायल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पॉइंटर और डिजिटल, अगर आप पॉइंटर करें तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप डिजिटल करें तो आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐप QR कोड देखने को मिलेगा, रिबॉर्ड, पावर ऑफ और रीसेट। ये थे वॉच के फीचर और UI दोस्तों मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ फीचर मिस आउट किए हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, गेम्स और गाइस AI वॉइस असिस्टेंट। ये वॉच आपको वॉटर असिस्टेंस के साथ मिल जाती है तो दोस्तों फुली पॉसिबल है, इसे पहन के आप हैंड वॉश करो, वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे और गाइस शावर वगैरह में भी यूज कर पाओगे, अगर आप इसे स्विमिंग करते टाइम यूज करना चाहो तो दोस्तों वहां पे भी आप इसे यूज कर पाओगे। इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये वॉच आपको सिंगल चिप टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाती है, अगर आप इसे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो अदर वॉचेस से इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। सभी वॉच आपको 2 दिन का देती है, ये आपको लगभग 2.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी, अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करोगे तो गाइस वहां पे आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप पक्का मिल जाएगा। रही बात इसके सेंसर की एक्यूरेसी की, तो हर एक वीडियो में ये बात मैं आप सभी को बोलता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इन सब वॉच के सेंसर पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं, इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज करो, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में 89 बीट्स पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में अभी 81 हो चुका है, तो दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग यहां पे मुझे मिल रहे हैं। SpO2 मॉनिटर भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 97% दिखा रहा है अभी मेरे ब्लड में ऑक्सीजन और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 98 दिख रहा है। हार्ड सरफेस पे रख के देखा तो यहां पे इसने एरर दिखा दिया है, तो दोस्तों बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है, वेट मुझे काफी कम लगा है, अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए भी यूज करोगे तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और गाइस इसमें जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाएगा। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने वाला है, जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाओगे और गाइस आपको क्विक रिप्लाई करने का फीचर भी मिल जाता है, लेकिन दोस्तों म्यूट करने वाला फीचर यहां पे वर्क नहीं करता है, कॉल को रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने का फीचर मिलेगा, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पाएंगे और दोस्तों कॉल को डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। कॉलिंग वाले फीचर को भी टेस्ट करके देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और कॉलिंग के लिए अगर आप इसे ले रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ अभी आप फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ। आवाज मेरी किस तरीके से आ रही है बताओ? ठीक से आ रही है आवाज, क्लियर है। अच्छा, मेरे पास एक वॉच है ठीक है नॉइस का, उसी से कॉलिंग कर रहा था मैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन अच्छे से वर्क कर रहे हैं ना इसके? हाँ अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं नॉर्मली लग रहा है, जैसे फोन से बात होती है वैसे ही लग रहा है। अच्छा ओके, थैंक यू।
वेलकम। ओके, अब बात आती है 4,000 रुपए की प्राइस पॉइंट में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में मुझे काफी तगड़ी वॉच ये लगी है, डिस्प्ले मुझे काफी पसंद आया और दोस्तों इसका जो रगेड डिजाइन है वो मुझे काफी पसंद आया है। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों इधर उधर भटकने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सके हो। तो दोस्तों यही था नॉइस फोर्स प्लस स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।